एवरी वन सो हम लोग बात करने वाले हैं कि कल की मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है और मैंने एक अभी रिसेंटली सात बजे के करीब एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिस पे मैंने आपको बताया कि कल की मार्केट पे अगर एक सेल ऑफ आता है जिस तरीके से हम लोगों को लग रहा है वहां पर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के भी सेटअप आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं वो वीडियो डेफिनेटली जाके वॉच करेगा या फिर इस वीडियो के एंड में आपको शो कर जाएगी डेफिनेटली जाके देखेगा यहाँ पर ऊपर आई का बटन है वहां पर भी आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं उस पर अगर आपने कोई भी पोजिशन ले रखे हैं कोई भी आप लोगों ने अगर स्विंग ट्रेड्स ले रखे हैं या अगर आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर रखा है सो अगर ये जो गैप डाउन हम लोगों को लग रहा है या फिर मार्केट और तीन चार दिन नीचे जा सकती है इस पर अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके लिए मैंने एक हेजिंग स्ट्रैटेजी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना रखी है जो कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पचास हजार रुपये से भी कम है तो भी आप लोग उस पर कर सकते हो तो ये पूरी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी है डेफिनेटली जाके वॉच करेगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में इस वीडियो के लिए आप लोगों को और बताना चाहूँगा गाइस कल हम लोगों को लग रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है तो मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक्स इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा वो डेफिनेटली नीचे जाके ही खुलेंगे ठीक है अभी करंट प्राइस पे कोई भी वो स्टॉक खुलने वाला नहीं है मैं आज कोई भी स्विंग ट्रेड देने वाला नहीं हूं मैं आज कोई भी आप लोगों को इंट्राडे के स्टॉक्स बाय साइड में देने वाला नहीं हूं सो so, किस तरीके से ट्रेड करना है मैं पांच स्टॉक्स आप लोगों को सेल साइड के लिए डेफिनेटली देने वाला हूं बट अगर आप लोगों को पता है कि गैप डाउन जब मार्केट ओपन होगी तो ये स्टॉक्स भी गैप डाउन ओपन हो सकते हैं सो so, यहां पर आप लोग शायद ट्रेड एग्जीक्यूट ना कर पाओ बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को तब भी ये पांच स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूं बाय चांस अगर नहीं होता गैप डाउन इन पे या ज्यादा नीचे नहीं गिरते तो भी आप लोग इस पर ट्रेड ले पाओ सो so, अगर आप लोग चाहते हो तो आप पूरी वीडियो देख सकते हो वरना अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई लग रही है कि सारे स्टॉक्स नीचे ही खुलने वाले हैं

स डे को इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा आप देख सकते हैं क्लियर हम लोगों ने एक शॉर्ट देखा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बी एर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं इसका एक ब्रेकडाउन आया ऊपर गया गैंड दोबारा इसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है ठीक है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे टारगेट्स क्या है मेरे टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के है अराउंडी सेवन या सिक्स सेवेंटी एट रुपीज के मुझे लगता है कि प्रॉबेबली यहां तक ये स्टॉक आ सकता है क्या रीजन है इसके यहां तक आने का आप ये देख रहे हैं एक गैप अप ओपन हम देखने को मिला था ये गैप अप ओपनिंग जब हम लोगों को देखने को मिली तो ये जो गैप है इस गैप को ये फिल करने डेफिनेटली यहां तक आ सकता है इस स्टॉक को आप इस टारगेट तक के लिए वेट कर सकते हैं अभी करंट प्राइस की मैं बात करूं तो 690 के आसपास है हम लोग दो टारगेट्स लेकर चलेंगे ओके पहला टारगेट हमारा होगा दिस लेवल क्योंकि इस लेवल से हमने देखा कि इस लेवल पे आया एंड ऊपर गया नीचे दोबारा आया एंड इसी लेवल से दोबारा ऊपर गया तो एक ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है तो हम लोग दो टारगेट्स लेकर चलेंगे ठीक है मैं सारे आपके साथ एक्सप्लेन करते रहूंगा कि अगर आप लोग ट्रेड लेना भी चाहो गैप डाउन पे तो भी ले कैसे पाओ ओके करंट प्राइस है सिक्स नाइनटी एक्सिस बैंक का मेरा पहला टारगेट क्या है सिक्स का अगर चांस हम बोल के चलते हैं कि सिक्स मार्केट ओपनिंग में ही आ जाता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग वेट करेंगे हम देखेंगे जैसी इस ट्रेंड लाइन को ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जा रहा होगा हम लोग वहां शॉर्ट कर सकते हैं और हम लोग सिक्स सेवेंटी सेवन सिक्स सेवेंटी एट रुपीज का टारगेट लेकर एग्जिट कर सकते हैं आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं बट अगर वो इस लेवल से ऊपर रहता है इसी लेवल से मैं ये वाली एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए अगर ये इस लेवल से ऊपर रहता है तो आपको पेशेंसली वेट करना है क्या वेट करना है कि जब तक इस लाइन को ब्रेक करे ठीक है अगर एक गैप डाउन ओपनिंग नहीं आती है और हम लोग बोलते हैं कि ये वाली लाइन है जो कि 689 के ऊपर ही रहता है तो हम लोग वेट करेंगे कि जब तक ये 689 को ब्रेक नहीं करता हम लोग अपने 684 और 678 तक के टारगेट्स के लिए रुके रहेंगे जैसे ब्रेक करा हमारे ये दो टारगेट्स हैं ओके अब बात आती है सर अगर ये दूसरे टारगेट पे ही ओपन होता है तो क्या करें तो भी आप लोग पेशेंसली वेट करिएगा अगर ये ऊपर जाता है मतलब अगर ओपन होता है और हल्का सा ऊपर जाता है और इस लेवल पे रीटेस्ट लेके नीचे आ रहा होता है तो भी आप लोग शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक तो वीक है ही तो हम लोगों को क्या करना है कोई भी अपसाइड आती है मतलब हल्का सा बाउंस करता है तो भी बाउंस में हम लोग शॉर्ट करने के बारे में एक्सिस बैंक को सोच सकते हैं ओके इसके अलावा बात करता हूं मैं आप लोगों से आईसीआईसीआई बैंक के बारे में

Continuously, it's making lower lows and lower highs. मतलब अपने एग्जैक्ट अपर रेजिस्टेंस से स्टॉक वीक है अब क्या हो सकता है अगर ये हल्का सा ऊपर बाउंस देता है तो भी शॉर्ट करने के मौके हम लोग देख सकते हैं या अगर ये नीचे खुलता है तो भी हम लोग शॉर्ट करने के बारे में देख सकते हैं अब सर बताइए कि टारगेट क्या होगा और अगर गैप डाउन खुलता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है ओके देखिए सबसे पहला जो मेरा सपोर्ट आ रहा है जहां पर ये रुक सकता है वो है करंट प्राइस की पहले बात कर ले वो है 595 का आई बैंक का मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट 585 और 5 सॉरी 588 से लेके 587 तक आ सकता है ठीक है फाइव मतलब यहाँ से चार पाँच छः रुपये सॉरी सात रुपये तक गिर सकता है ये स्टॉक इस लेवल तक आ सकता है अब क्या होता है अगर ये इसी लेवल पर आता है इसी लेवल पे नीचे सात पाँच की हम लोग गैप डाउन ओपनिंग देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे हम देखेंगे कि अगर ये इस लाइन के नीचे जा रहा होगा तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा ये लेवल ये देख रहे हैं यहां पर भी हम को कोई गैप अब ओपनिंग देखने को मिली थी तो ये गैप को भी ये फिल करने आ सकता है सो तो अगर ये इसी लेवल पे इस जोन पे खुलता है तो हम लोग पहले देखेंगे कि जोन से बाउंस तो नहीं कर रहा अगर बाउंस करता है तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे अगर इस जोन से नीचे आना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को यहां पर छे से सात रुपए आराम से मिल सकते हैं इंटर में तो हम इसे कैप्चर कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे लिए एक सेल साइड के लिए स्टॉक है इसके अलावा बात करते हैं इंडोसेंट बैंक की ठीक है इंडोसेंट बैंक पे अगर आप देखेंगे मैं आप लोगों को इसका डेली चार्ट्स ओपन करके दिखाना चाहता हूं एंड यहां पर आप देखेगा ठीक है स्टॉक कर क्या रहा है ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की लाइन पे स्टॉक ऊपर जाने की बार बार कोशिश कर रहा है मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा ठीक है हम लोग देखते हैं इसने ब्रेकआउट भी दिया ब्रेकआउट देखने के बाद एक गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे गया जो कि एक बहुत ज्यादा बियरिश साइन है ठीक है तो यहां पर हम लोग एक शॉर्ट पोजिशन बना के डेफिनेटली चल सकते हैं अब यहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको करना क्या देखिए अभी करेंट प्राइस नाइन सेवनटीन रुपीज का हम लोग इस पर शॉर्ट कब करेंगे जब ये नाइन हंड्रेड एंड टेन रुपीज के नीचे जाना स्टार्ट करता है ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉस अगर ये पांच छह रुपए नीचे भी खुलता है तो भी हमारे अभी टारगेट्स नहीं आए हैं ना हमारा एंट्री लेवल आया होगा जब ये 910 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा जो टारगेट टारगेट है वो मैं ये मेंटेन करके रख रहा टॉप से तक के मुझे ये हम लोगों ने फॉल देखा जब इसका ब्रेकआउट दिया ये देख रहे हैं, यहां से ही ऊपर गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है आई होप आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे क्योंकि स्टॉक्स तो गैप डाउन ओपन हो नहीं है ठीक है एच निफ्टी को भी अगर आप चेक करेंगे या आप एशियन मार्केट्स को चेक करेंगे जिस तरीके से हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है इस वजह से आप लोगों को ऐसे ट्रेड्स ले सकते हो ओके okay? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की दैट इज सोलर इंडस्ट्री सोलर इंडस्ट्री में क्या करना है आप यहां देखेगा ये सोलर इंडस्ट्रीज की मैंने रेड कलर की एक लाइन ड्रॉ करी हुई है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए ये रेड कलर की लाइन हमें क्या बता रही है एक ब्रेक डाउन दिया ऊपर जाने की कोशिश करी फिर शार्प फॉल आ गई फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है फिर नीचे आ रहा है ये स्टॉक इतना वीक हो गया है इतना वीक हो गया आप देख रहे हैं इसने एक राउंडिंग बियरिश राउंडिंग बॉटम क्रिएट करा है ठीक है सॉरी एक राउंडिंग टॉप क्रिएट करा है इसने तो यहां पर आप देख रहे हैं कितनी विक्स है एग्जैक्ट ऊपर जा ही नहीं पा रही है जितनी बार ऊपर दिन में जाने की कोशिश करती है धड़ाम से नीचे आ जाता है ये स्टॉक सो so, यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हमारे लिए मेंटेन्ड है करना क्या अब स्टॉक पे ये देख रहे हैं अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है अगर ये वाली लाइन ब्रेक होती है ये वाला एक जोन अगर ब्रेक होता है ये वाला जोन ये रेड कलर की लाइन अगर ब्रेक होती है करंट प्राइस है सोलर इंडस्ट्री का 1215 अगर ये बारह सौ रुपए के नीचे जाना स्टार्ट करता है आप डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं मैं बताता हूं ये पूरी एक रेंज है इस पूरी रेंज का आप ये ले लो मेरा जो टारगेट है मेरा टारगेट इतना पूरा ही है ठीक है अब मैं नहीं कह रहा ये कल के कल आ सकता है होने को ये दो तीन दिन लगा दे बट आप लोग एक शॉर्ट बना के चल सकते हो अगर इसके नीचे ये जाता है

ब्रेकडाउन देने के बाद हम लोगों ने एक नीचे डाउनफॉल भी देखी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दस से पंद्रह रुपए की डाउनफॉल आई उसके बाद ये ऊपर दोबारा जाना स्टार्ट कर गया अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है ये ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है ठीक है सो अगर कल यहां से नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं अब देखिए अगर ये मार्केट वीक है तो ये भी नीचे खुलेगा कहां पर नीचे खुल सकता है अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो नौ सौ नौ रुपए है अगर ये इस लाइन के नीचे ये जोन देख रहे हैं अगर इस अराउंड नाइन जीरो फाइव के नीचे जाना स्टार्ट करता है आप लोग एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं शॉर्ट साइड में एंड हमारा जो टारगेट होगा ये वाला लेवल होगा जो कि ये पूरा का पूरा टारगेट आप कैप्चर कर सकते हैं ठीक है सो आई होप ये पांच स्टॉक्स पे आप लोगों को किसी भी दो स्टॉक्स पे ट्रेड मिल पाए और आप लोग उसमें कुछ अर्न कर पाए अगर आप लोगों को पता लगाना है कि मैं कैसे अपनी पोजीशंस को हेच करके चलूं अगर ये मार्केट में फॉल कंटिन्यूस रहता है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं यहां पर आपको वो वीडियो शो कर जाएगी या फिर आपको यहां पर भी वीडियो का टाइटल शो कर रहा होगा आप इस वीडियो को क्लिक करके डेफिनेटली देख सकते हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी के भी सेटअप्स यहां पर एक्सप्लेन है और बैंक निफ्टी का ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी यहां पर एक्सप्लेन है तो प्लीज गो एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो सो गाइज थैंक यू सो मच मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले दिन और शायद हम लोग कल लाइव मार्केट पे एनालिसिस भी करेंगे मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा दो बजे के करीब शायद सो so आप लोग एक्टिव रह सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं बाय बाय गाइज